हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़ आपके लिए है, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और कल भी आपने पूरा दिन वेस्ट किया, आपने पूरा दिन वेट किया था और आपने नाइट में भी वेट किया था, जिसके लिए वो फाइनली वो चीज़ आ गई है, राइट। जो NTA ने जो अभी UGC नेट की जो आंसर की थी, प्रोविजनल आंसर की, उसको रिलीज कर दिया गया है, राइट। तो जिन लोगों ने आंसर की अभी नहीं देखी है अपने सब्जेक्ट की, तो जाएं वो अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। अब आपको आंसर की कैसे चेक करनी है वो आपको मैं बताता हूँ, राइट। सबसे पहले आपको NTA की वेबसाइट ओपन करना है, राइट। UGCNET.NTA.NIC.IN, ये वाली जब आप डोमेन डालेंगे तो ये वाला आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगा। अब जब वेबसाइट को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए पब्लिश नोटिस में आ रहा है आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद द रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो खुल के आएगा, राइट। इस प्रकार का आपके पास एक पूरा आप PDF खुल के आ जाएगा। तो ये जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, ये आज रिलीज करी गई, 6 जुलाई को से रिलीज करा गया है, राइट। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड द क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की। आप UGC NET June 2023 Phase 1 and Phase 2 कंडक्टेड फ्रॉम 13 June to 22 June, जो एग्जाम हुआ था उसकी प्रोविजनल आंसर की आ गई है। अब थोड़ा इसके एग्जाम के बारे में देखते हैं। जो NTA एग्जाम था तो टोटल जो 83 सब्जेक्ट थे इसमें जो कंडक्ट कराया गया था, और ये 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 9 डेज के लिए चला था। 18 शिफ्ट थी और 188 सिटीज में अक्रॉस द कंट्री, और कैंडिडेट जो अप्लाई किया था 6,39,000 समथिंग समथिंग 6,40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जो कंडक्टेड हुआ था 13 जून टू 17 जून। फर्स्ट वाली फेज थी और सेकेंड फेज थी वो 19 टू 22 जून को थी। अब प्रोविजनल आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, आप इस पर जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करिए, आपके सामने आ जाएगी। अब जो प्रोविजनल आंसर की आई है, आपको कोई क्वेश्चन है वो लगता है कि उसका आंसर सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उन क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज किस प्रकार करना है उसको हम बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया था कैंडिडेट हुआ नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की, जो कैंडिडेट आंसर की से सेटिस्फाइड नहीं है, मे चैलेंज द सेम बाई पेइंग अ फी ऑफ ₹200 पर क्वेश्चन, चैलेंज एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो आपके ₹200 आपको देना पड़ेगा, आपकी फी जाएगी, और ये जो फी है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, राइट। द डिटेल फॉर आंसर की चैलेंज आर गिवन बिलो, डिस्क्रिप्शन में दिया कि ड्यूरेशन फॉर द आंसर की चैलेंज आप आज चैलेंज कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं 7 को, और 8 को भी आप चैलेंज कर सकते हैं अप टू 8 PM। 8 PM तक आप 8 जुलाई तक चैलेंज कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट 8 जुलाई है, जो आपकी 11:50 PM यानी 11:50 तक आप जो इसका लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। ₹200 आपका पर क्वेश्चन आपको फीस पेमेंट करने के होगी, और ये आपकी फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। आपको कैसे करनी है पेमेंट, आप किसी डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम हुए थे किस किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था वो आप एक चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम था, इसका कोड 17 है, राइट। ये हमारा 16 जून का हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ऐसे अपनी शिफ्टिंग आप चेक कर सकते हैं। ये नीचे दिया गया, एक बार आप सब चेक कर लेना यहाँ पे। और या ये दिया प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग ऑफ आंसर की आप UGC NET June 2023, कैसे आपको प्रोसीजर क्या चैलेंज करने का। सबसे पहले आप NTA की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे क्लिक करेंगे चैलेंज तो रिगार्डिंग आंसर की आ जाएगी, राइट। फिर लॉगिन करना है आपको, अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के या आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन आएगा उसको डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपके सामने एक डिस्प्ले हो जाएगा और सबमिट कर सकते हैं। फिर क्लिक ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे फॉर मार्क रिस्पॉन्सेज एंड टू व्यू अ चैलेंज टू आंसर की,
और आंसर की को चैलेंज कर सकते, क्लिक ऑन क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज आंसर की। यू विल सी क्वेश्चन आई डी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, जो क्वेश्चन आई डी है वो आप प्रॉपर जो सिक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं। नेक्स्ट द आई डी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द करेक्ट आंसर की टू बी यूज बाई एन टी ए, द ड्रॉप क्वेश्चन आर हाईलाइटेड एंड नॉट फॉर द चैलेंज। इसमें इनको एक बार आप रीड आउट कर लेना जो यहाँ पे दिया गया है। फीस के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 200 रुपीज़ आपका फीस आएगा यहाँ पे। अब कैसे आपको चैलेंज करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट आ रही है एनटीए की, यहाँ पे जाइए और जब इसको आप नीचे स्क्रोल करेंगे ना, तो स्क्रोल करने पर जो एक्टिविटीज़ में जाइए, ये आ रहा है आपके सामने कैंडिडेट एक्टिविटी। तो यूजीसी नेट जून 2023 आंसर की चैलेंज, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अपना आप लॉगिन करेंगे। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है, आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ डाल के, सिक्योरिटी पिन मानेगा उसको डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन पेपर है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर व्यू हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आंसर की आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार आप देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आ गया, मैंने उस पर क्लिक किया, क्वेश्चन पेपर आ गया है। यहाँ से आप मैचिंग कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से आप इस प्रकार आपका आ जाएगा, राइट। तो आपको इस प्रकार क्लेम करना है यहाँ पे। तो जिस चीज़ के वेट कर रहे थे फाइनली वो चीज़ आ गई। आप अपना अच्छे से स्कोर एक बार मैच कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, राइट, कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, नेट के लिए एलिजिबल हैं, आप JRF के लिए एलिजिबल हैं। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।